याद है कि मैं जदों पिछले समय काउंसलर थी और इतने सरदार सोलन सिंह भी उस समय काउंसलर होया करते थे और कुछ गलियां जड़ियां आबादपुरे दियां क्योंकि काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है, गलियां भी छोटियां और 5 नंबर गली और 6 नंबर गली सीवरेज भी जी काफ़ी जी पिछले लंबे समय तो काफ़ी समस्या चलती आ रही है और सुचा सिंह जी काउंसलर बने और इन्होंने हर किसे कुछ पंजाब सरकार वालों फंड होए और अज तकरीबन 20 लाख रुपए की जोड़े फंड है उन्होंने नाल गली नंबर 5 और गली नंबर 6 का जरा सीवरेज है इंडोनेशिया वाली जी फैक्ट्री है वो नाल भी जी पिछले पास जी गली है उन्होंने गलिया के हमेशा जी है इलाका निवासियों को दिक्कत रही थी और उस दिक्कत को देखते हुए अज जी सीवरेज की जी शुरुआत है इतने की गई है और मेरा ख्याल है कि करीब 2 या 3 हफ्ते जोड़ा काम है मुकम्मल करने की जी है डिपार्टमेंट वालों सीवरेज बोर्ड और नगर निगम वालों सीवर लाइन को कंप्लीट करके जोड़े इन्हों इलाके जो लोग है इन्होंने जी राहत दी जा रही है और उस तो बाद नालों नाल ही जरा गलियों का जोड़ा काम है वो भी जरा नालों नाल शुरू करवा दिता जाएगा ताकि जी दिक्कत है वो इलाके सारे साथी जिहड़ा वादा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और कांग्रेस पार्टी ने जिहड़ा पंजाब के लोगों का नाम किया खास करके साडा जिहड़ा वैस्ट हलका जिहदे विच गरीब और स्लम आबादी के बहुत सारे जी जो लोग है वसनीक और हर एक पास जी बराबर की डिवेलपमेंट हो जी कोशिश है की जा रही है और खास करके आवाजपुरे की जो मैं गल करा कि बहुत सारे इतने मेरे ख्याल घट्टो घट 4 ट्यूबवैल है जो पानी के उस समय और लगे है पार्कों की डिवेलपमेंट हुई है और बहुत सारे जोड़े काम है गलियां बनी सारिया और जिन्हें रिया गलियां भी आने वाले समय से कंप्लीट कर रहे हैं सारे का साथियों का।